सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर। सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर है क्या? इसे हम बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी बता देता है कि किस डायरेक्शन में करंट चल रही है। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है ये, एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस साल क्योंकि साइक्लोट्रॉन नहीं है तो इसके चांसेस काफी बनते हैं। सस्पेंशन टाइप नाम में पता लग रहा है, सस्पेंस का मतलब लटका हुआ। यहाँ कॉइल लटकी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल आमने सामने ला दिया आपने और इन्हें क्या कर दिया, कर्व कर दिया। दो डायग्राम बनाएंगे, यहां इस नॉर्थ साउथ पोल के बीच में, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में आपने एक कॉइल बना दी। कॉइल में होते हैं बहुत सारे टर्न, थाउजेंड्स में होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक डेढ़ टर्न ही बनाएंगे, एक डेढ़ टर्न हम बनाएंगे। अपनी डायग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए केवल डेढ़ टर्न हमने यहां बनाया है, जैसे जबकि इसमें 1000-2000। एक फ्रेम होता है, फ्रेम के ऊपर कॉइल बांध देते हैं, बिल्कुल जैसे ये फ्रेम है, प्लास्टिक का फ्रेम होता है, अक्सर प्लास्टिक का होता है या नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल नहीं सॉरी प्लास्टिक का नहीं, नॉन मेटल नहीं, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ही फ्रेम है और फ्रेम के ऊपर बहुत बारीक सा तार होता है, बहुत पतला, बिल्कुल हेयर हेयर थिन, बाल बाल की जैसा पतला, ताकि ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ इसमें बना सकें। और ये एक सस्पेंशन हो गया ऊपर, सस्पेंशन से आपने इसे लटका दिया। एक स्ट्रिप से पट्टी, पत्ती पट्टी भी नहीं, पत्ती, ये आपका सपोर्ट बन गया। ये है नहीं सपोर्ट नहीं, इसके ऊपर एक एक स्क्रू इसके ऊपर लगा होता है, इस स्क्रू को घुमाने से ये पूरा का पूरा ही कॉइल घूम जाती है। तो इसे हम बोल ये तो इस स्क्रू को बोलते हैं हम टॉर्शन हेड, टॉर्शन हेड। और ये पूरी की पूरी आपकी, डबल कलर कर देता हूं इसको, ये है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। एक पत्ती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई, फॉस्फर ब्रॉन्ज एक फॉस्फर ब्रॉन्ज है एक एलॉय, क्यों बनाई जाती है उस एलॉय की, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और इस पत्ती के ऊपर ही छोटा सा लगा होता है एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर गड्ढे वाला, ठीक है। यहां नीचे वाले सिरे पर एक
स्प्रिंग लगी हुई है और स्प्रिंग का दूसरा सिरा सब रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है। यह आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, हेयर स्प्रिंग, मतलब बिल्कुल पतली है, ये बिल्कुल पतली सी स्प्रिंग है, हल्की सी, बिल्कुल बाल जितने पतले तार की बनी हुई हेयर स्प्रिंग। ये कॉयल होगी आपकी, कॉयल का भी नाम हमें लिखना पड़ेगा, नहीं लिखते चलो। और इस कॉयल के बीच में, इस कॉयल के बीचों बीच लगा हुआ है एक एक कोर रखी हुई है, ये है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। और फिर एक सिरा इससे फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से और एक सिरा यहां से बाहर निकाल लिया गया और इसमें भी दो स्क्रू लगा दिए जाते हैं, T1, एक स्क्रू यहां लगा दिया, T2, ये T1 T2 है, T1 एंड T2, ये आपके हो गए कॉन्टेक्ट टर्मिनल, कॉन्टेक्ट टर्मिनल टू एक्सटर्नल, कॉन्टेक्ट टर्मिनल टू एक्सटर्नल सर्किट, जिस सर्किट से आपसे जोड़ेंगे उसके सिरे बाहर निकल गए। ठीक है, ये तो हमारा सामने से देखने पर डायग्राम है, सामने से देखने पर डायग्राम है, और ऊपर से देखेंगे जब हम इसे तो कैसे हैं ये दोनों, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे हैं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है आपके गड्ढेदार, गड्ढेदार नॉर्थ पोल साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल और इसके सामने ये साउथ पोल, ऊपर से देखने पर ये सिलिंड्रिकल कोर का एक फेस दिखाई देता है, ये आपका ये सिलिंड्रिकल कोर, मैं इस सिलिंड्रिकल कोर को सी लिख देता हूं, सी। और इसी में है क्या, इसी के ऊपर लिपटी हुई है ये कॉइल, पहले एल्युमिनियम का एक फ्रेम है, एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर कॉइल लिपटी हुई और फ्रेम के अंदर फंसा दिया कोर, यहां ये आपकी कॉइल हो, ठीक है, और यहाँ ये कॉयल और कॉयल के ऊपर ये ऐसे जैसे मैंने पैन खड़ा कर दिया, ये आपकी फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप है, और जो ये हेयर स्प्रिंग है ये स्पोर के नीचे पीछे दबी हुई है, ठीक है, और इससे कॉयल से बाहर निकाल रखा है, कॉयल के ऊपर ही लगा हुआ है यहाँ एक मिरर, यहाँ इस इधर यहाँ मिरर लगा हुआ है फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनी हुई है, एज इफ दीज लाइंस आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्किट, किसी एक सर्किल की रेडियाई है ये, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पर टॉर्क आपने इसमें करंट सेटअप कर दी, एक करंट सेटअप की यहाँ आई, करंट कितनी सेटअप कर दी यहाँ, करंट सेटअप है आई। तो किसी भी इंस्टेंट पर क्या है, एक टॉर्क लगा है, मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द कॉयल, टाउ इक्वल्स एन आई ए बी साइन अल्फा। अब ये टॉर्क लगा, इस टॉर्क के लगने से क्या कि कॉयल, ये जो कॉयल रखी हुई है ये इस टाइम ऐसी दिखाई दे रही है आपको, ये कॉयल अपनी पोजीशन से घूमे, टॉर्क लगा अपनी पोजीशन से घूमे, लेकिन जैसे ही कॉयल ये रोटेट करती है, इसके ऊपर जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगी हुई है उसमें एक टॉर्शन क्रिएट हो जाता, ऐंठन क्रिएट हो जाती। ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगी हुई है, एक सिरा पर नीचे लगा, नीचे लटकी हुई कॉयल, लेकिन इसका दूसरा सिरा तो फिक्स है ऊपर, फिक्स है ऊपर टॉर्शन हेड के, टॉर्शन हेड से जुड़ा हुआ फिक्स है। तो जब ये पूरी की पूरी कॉयल ऐसे रोटेट की, इसने थोड़ा सा एंगल रोटेट किया टॉर्क किससे, मैग्नेटिक टॉर्क के कारण, तो फिर क्या हुआ, फिर ये जो इसके ऊपर ये पट्टी लगी हुई है, मेरी उंगली इस टाइम पट्टी लगी हुई, तो ये भी घूमेगी इसके साथ में, लेकिन इसका ऊपरी सिरा तो फिक्स है। जैसे यहाँ ये मेरी उंगली ये ऐसे घूमने लगे, देखो जैसे मेरी उंगली है, काश हम क्लास में होते तो मैं आपको दिखाता ऐसे पूरी चीज को, ये घूमी, लेकिन इसे छोड़ती तो वापस अपनी जगह आ जाएगी ना, क्योंकि ऊपर से फिक्स है, ऊपर से मैं इसे घूमने नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ से जब कॉयल के साथ जुड़ा हुआ पोर्शन ये घूमता है, देखो मैंने जबरदस्ती ये उंगली को पकड़ कर घुमा रखा है, आपको पता भी लग रहा होगा कि मैं जबरदस्ती घुमा रहा हूँ, तो छोड़ते क्या होगी है, छोड़ते अपनी पोजिशन पर आ जाएगी। तो ऐसे ही क्या है कि एक एक टॉर्क जो कॉयल को घुमाने की कोशिश में है, लेकिन सामने जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप पे जो काउंटर टॉर्क इसे मिल रहा है, वो इसे वापस कॉयल को अपनी जगह लाने की कोशिश में है। लेकिन कॉयल पर लगने वाला जो टॉर्क है, कॉयल पर लगने वाला टॉर्क तो करंट पर डिपेंड है, लेकिन जब ये घूमा, टॉर्क लगा कॉयल पर, तो फिर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया। रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ये होगा आपका के थीटा। मतलब आप सब अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी चीज को अगर आप रोटेट करेंगे, चलो ये है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप मेरे स्पेक्ट का केस, तो यहां से एक सिरा आपने इसे फिक्स किया हुआ, एक सिरा आपने फिक्स किया हुआ है, एक सिरा तो ये मैंने हाथ में पकड़ लिया फिक्स। अब दूसरे सिरे को मैं इसे घुमाऊंगा तो क्या होगा, इसमें एक ऐठन आ गई, और ये जो ऐठन है ये कॉयल को, यहाँ कॉयल जुड़ी हुई इससे नीचे, ये कॉयल इससे चिपकी हुई है बिल्कुल। अब कॉयल में टॉर्क लगा, मैग्नेटिक टॉर्क, कॉयल घूमी, कॉयल घूमने के साथ साथ क्या हो गया, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप भी घूम गई। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्या कर रही है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इसे वापस अपनी अपनी पोजिशन पर लाने की कोशिश में, मैग्नेटिक टॉर्क इसे आगे घुमाने की कोशिश में, और ये जो ऐठन क्रिएट हो गई है, टॉर्शन क्रिएट हो गया है, ये वापस इसे अपनी पोजीशन में लाने में। तो अब मैग्नेटिक टॉर्क तो डिपेंड है आई पर, करंट आपने भेज रखी है, मैग्नेटिक टॉर्क तो फिक्स हो गया एक फिक्स करंट के लिए, लेकिन यहां से जो ब्रॉन्ज फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का टॉर्शन है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है, यानी फॉस्फर ब्रॉन्ज हल्की सी अगर रोटेट होती तो इसका टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, वापस लाने वाला टॉर्क कम है, और ज्यादा होगी तो और ज्यादा टॉर्क, और ज्यादा घूमी तो वापस लाने वाला टॉर्क काफी ज्यादा हो जाता है। तो एक कंडीशन ऐसी आई कि मैग्नेट का टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क कॉइल पर जिसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, और
फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का रिस्टोरिंग टॉर्क जो इसे वापस लाने की कोशिश में दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए तो वहां ये रुक जाएगी। मैग्नेटिक टॉर्क इसे आगे ले जाने की कोशिश में, लेकिन टॉर्शन जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये वापस लाने की कोशिश में, जहां दोनों इक्वल हो गए वहां रुके। अगर आपने करंट और भेज दी तो करंट और भेजने पर मैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा, मैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा कॉइल और घूमेगी, लेकिन घुमाओ ये जो थीटा घुमाओ है इस थीटा घुमाओ से क्या होगा, इस थीटा घुमाओ से रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनेगा, ये बनेगा आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल्स व्हाट, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना है, मैग्नेटिक टॉर्क है एन आई ए बी साइन अल्फा इक्वल्स ए थीटा। जब ये दोनों ने आपस में बैलेंस किया हुआ है तो एन आई ए बी साइन अल्फा इक्वल्स ए थीटा। अब यहां से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आई इक्वल्स के थीटा बाय एन ए बी साइन अल्फा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो के के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। एक बार आपने स्ट्रिप बना ली कांस्टेंट हो गया। एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, एक बार आपने कॉयल बना ली एन फिक्स हो गया। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया होता है कॉयल का, ये एरिया, ये आपने कॉयल बना ली एक बार फिक्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड बी, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखना था उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फिक्स है क्योंकि आपने परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, ठीक है। बुक्स में साइन अल्फा की वैल्यू सारी ही किताबों में, टोटल जितनी भी किताबें 10 20 50 किताब देख लोगे सब में साइन अल्फा की वैल्यू 1 लिखी हुई है, जबकि साइन अल्फा 1 नहीं होता। साइन अल्फा इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा फ्रॉम 0 to 90। अगर मैं यहाँ इस कंडीशन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ इस कॉयल के ऊपर तो उस परपेंडिकुलर के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 भी बना रही है और 90 भी बना रही है, तो ये साइन अल्फा की वैल्यू 1 तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो फिक्स है, जो भी है ये वो फिक्स है। तो हम यहां अगर इस पूरे इक्वेशन में देखें, फॉर ए गिवन कॉयल एन ए एन एंड ए इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट फॉर गिवन मैग्नेट एंड साइन थीटा, सॉरी साइन अल्फा इज कांस्टेंट फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए साइन अल्फा भी कांस्टेंट है। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का कांस्टेंट है के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या है, देखिएगा आप ध्यान से, ये सब कांस्टेंट हो गए तो फिर क्या रहा आपके पास, हम इन सब को हटा करके एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, इसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो क्या क्या कहा, हेंस के डिवाइडेड बाय एन ए बी साइन अल्फा इक्वल्स जी, एक नया कांस्टेंट बना लिया जी। जी क्या चीज है, जी है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट।
गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। बुक्स में साइन अल्फा को वन लिखा हुआ है, बुक्स में साइन अल्फा को वन लिखा हुआ फॉर फॉर रेडियल मैटेरियल साइन अल्फा इज इक्वल टू वन। तो उस वन के चक्कर में ना पड़ना, जो भी है साइन अल्फा की वैल्यू ये सब मिलकर के कांस्टेंट है, अपने आप ही ये एक नए कांस्टेंट में आ गई, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के अंदर आ गई है। जी इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो अब आपके पास क्या बना, अब आपके पास करंट बना आई इक्वल्स जी थीटा। जी थीटा सीधी सीधी बात है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा आपकी कॉइल घूम गई उतना ही ज्यादा इसके अंदर आपने करंट भेजा हुआ है। तो करंट करंट केवल एक फैक्टर पर डिपेंडेंट रह गया, करंट एक्चुअली केवल डिपेंडेंट रह गया किस पर, रोटेटिंग एंगल ऑफ, रोटेटिंग एंगल ऑफ कॉइल, कॉइल कितना रोटेट कर गई केवल इस बात पर करंट की वैल्यू डिपेंड रह गई है। यहां से आप थीटा मेजर करके मेजर कर सकते हैं करंट। तो इसके लिए क्या, थीटा मेजर करने के लिए इस कॉनकेव मिरर की हेल्प ली जाती है। कैसे हेल्प ली जाती है कॉनकेव मिरर की, ये जो कॉनकेव मिरर लगा हुआ है आपका, कॉनकेव मिरर लगा हुआ है किस पर लगा हुआ, फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप के ऊपर। जब कॉइल घूमेगी तो ये मिरर भी इसके साथ साथ घूम जाएगा क्योंकि कॉइल के बिल्कुल पास लगा हुआ है। हमने मिरर को यहाँ फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप की जड़ में नहीं लगाया बल्कि यहाँ लगाया बिल्कुल कॉइल के ऊपर। तो जब कॉइल रोटेट करेगी तो फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप के साथ इसके ऊपर चिपका हुआ, कॉइल के ऊपर चिपका हुआ एक्चुअली ये कॉनकेव मिरर भी घूम जाएगा। तो क्या किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर आपका ये है, ये पूरा आपका यहाँ गैल्वेनोमीटर है, सपोज गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में आपके इस कॉनकेव मिरर के सामने इसके फोकस पॉइंट पर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है। बेकार की बातें हैं बिल्कुल, आजकल इस सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर को दुनिया में कोई यूज नहीं करता, कोई भी यूज नहीं करता। इतना मुश्किल है इसका यूज करना कि दिन लग जाएगा, घंटा लग जाएगा एक पूरी करंट को मेजर करने में। इससे कहीं ज्यादा सस्ते, टिकाऊ और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक गैल्वेनोमीटर होते हैं जो सेकंडों में करंट की वैल्यू बता देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, और एक्यूरेसी उनकी उनकी एक्यूरेसी 0.01 एम्पीयर की भी एक्यूरेसी होती है उनकी, इससे भी नीचे तक की एक्यूरेसी होती है। तो ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बातें हैं, यूज में ये आएगा ही नहीं, ना मैंने जिंदगी में कभी देखा, नहीं देखा है एक्चुअली, देखा है सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर। मैं आपको खोल खुला हुआ भी दिखा देता वहां पर, लेकिन फिलहाल ये यूज में नहीं है, सस्पेंशन टाइप तो यूज में नहीं है, वेस्टर्न टाइप यूज में है आज भी। तो इसको यूज करना बड़ा मुश्किल है, कैसे यूज, क्योंकि इसमें कोई पॉइंटर है ही नहीं करंट रीडिंग करने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ आपने रखा सामने की गैल्वेनोमीटर की दीवार पर, सामने गैल्वेनोमीटर की जो दीवार है उस दीवार पर आपने एक स्केल लगा लिया। दीवार के ऊपर स्केल लगाना पड़ता है भला, दीवार के ऊपर सामने एक स्केल लगा लिया और स्केल में बीचों बीच आपने लिख दिया जीरो और फिर यहां मार्किंग कर ली। यहां मार्किंग कैसे करी, कैलिब्रेशन, कि आपने गैल्वेनोमीटर सामने रखा इसके और गैल्वेनोमीटर में बल्ब जला, बल्ब कहाँ रहे, बल्ब फिर से बता दूं, देखो यह आपका कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के फोकस पॉइंट पर अगर आपने कोई भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रख दिया, बल्ब रख दिया, तो फिर इस बल्ब से चलने वाली जो रेज है वो पैरेलल हो जाएंगी, कहाँ पैरेलल हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी ये सारी की सारी रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो फिर एक बीम ऑफ लाइट चली गई, बिल्कुल वैसी बीम जैसे आपकी टॉर्च से निकलती है, टॉर्च में भी एक्चुअली कॉनकेव मिरर ही होता है, कॉनकेव नहीं एग्जैक्टली पैराबॉलिक होता है उसमें। तो ऐसे ही यहाँ से एक बीम निकली, एक बीम निकली और लाइट की एक बीम निकली और उसे आपने जीरो पर सेट कर लिया। अगर जीरो से थोड़ा बहुत आगे पीछे भाग रही है तो आपने यहाँ इस टॉर्शन हेड से, इस वाले टॉर्शन हेड को जब आप पूरा घुमाओगे तो फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप और ये कॉइल वॉइल सब घूम जाएगी इस टॉर्शन हेड को घुमाने पर। तो टॉर्शन हेड से आपने इसे सेट कर लिया, कहाँ सेट कर लिया, जीरो पर सेट कर लिया, ये आपका नल सेटिंग हो गई, इट इज कॉल्ड नल सेटिंग। नल सेटिंग हो गई, आपने इसे नल पर, नल पॉइंट पर आपने सेट कर लिया। फिर क्या करा, फिर किसी और तरीके से एक करंट इसके अंदर आपने भेजी,
करंट, नोन करंट भेजी इसमें, करंट सपोज आपने 1 एम्पेयर की करंट भेजी इसमें, जिसको आप पहले ही किसी और तरीके से मेजर कर रहे हो, किसी और भी और तरीके से, और भी तरीके होते हैं मेजर करने के। तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के साथ में पूरा मिरर घूम गया, मिरर घूमा तो इस मिरर से चलने वाली लाइट का जो बीम है वो भी घूमी, और वो जब बीम घूमी तो जहां पर वो बीम घूम करके पहुंची, यहाँ आपने लिख दिया क्या 1 एम्पियर लिख दिया, फिर करंट की डायरेक्शन उल्टी करी और जहाँ ये बीम पहुंची है फिर से यहाँ पर आपने के लिए क्या लिख दिया 1 एम्पियर लिख दिया, ये क्या लिख दिया 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर की करंट भेजी, फिर यहाँ 2 एम्पियर लिख दिया, फिर 2 एम्पियर की करंट भेजी और अपोजिट डायरेक्शन में 2 एम्पियर लिख दिया। तो इस तरह से आपने इस पूरे स्केल को क्या कर दिया, आपने इसे पूरे स्केल को कैलिब्रेट कर दिया, जो कैलिब्रेशन तो हर इंस्ट्रूमेंट का करना पड़ता है बनाने के बाद, कैलिब्रेशन आपने यहाँ कर लिया। कैलिब्रेशन करने के बाद क्या हुआ कि अब आप इसमें अननोन करंट भेजेंगे, और सपोज ये लाइट का जो स्पॉट है वो यहाँ आके रुक गया, आप देख लीजिए यहाँ पर कितना कितनी करंट है। एक बार आपने इसे लैब में जिस पोजीशन पर फिक्स कर दिया, ये वहीं की वहीं रखी रहेगी, पूरी पूरा जीवन वहीं रखा रहेगा। अगर ये अपनी जगह से जरा सा भी हिल गया, किसी ने सफाई करने में, धूल मिट्टी झाड़ने में इसको हिला दिया, तो तुरंत इसका कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है। अगर आपने उठा करके जो जरा सा तिरछा कर दिया, यहाँ रख दिया वहां रख दिया, तो जीरो के सामने तो नहीं रहा, अभी कैलिब्रेशन बिगड़ गया, फिर से बदला। जब करंट आप इसमें भेजेंगे तो करंट तो यहाँ भेजोगे और जाके देखना पड़ेगा सामने वाली दीवार पर, क्या मूर्खता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कभी पॉसिबल, ऐसा होएगा ही नहीं। तो ये गैल्वेनोमीटर पुराने जमाने गैल्वेनोमीटर, 100 साल पुराने गैल्वेनोमीटर है, अब कोई इनका यूज नहीं करता। बस प्रिंसिपल हमें पढ़ना है कि टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल को यूज करके हमने करंट का मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब इसी का छोटा भाई है, इसी का दूसरा रूप है वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। कौन सा? वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, जो कि आपके अब तक भी यूज में है, आपके स्टेबलाइजर के अंदर जो मीटर लगा हुआ वो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है। बहुत ज्यादा इनकी एक्यूरेसी नहीं होती, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी नहीं होती इनकी, नॉर्मल जो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर होते हैं। और आपको एक्चुअली एक्यूरेसी चाहिए भी नहीं, आपको तो देखना कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 200 के बजाय वो 202 वोल्ट 205 वोल्ट दिखा दे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। बस इसमें क्या डिफरेंस किया गया कि जो मिरर है, इस मिरर की जगह एक पॉइंटर चिपका दिया, इस मिरर की जगह क्या चिपका दिया, एक पॉइंटर चिपका दिया। मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें मिरर यहाँ लगा हुआ, देखो यहाँ ये मिरर लगा हुआ है, इसके सामने बल्ब जला दिया इसी के अंदर, और इसकी इसकी जो बीम है वो यहाँ इधर जाएगी सामने। लेकिन इसमें हमने क्या काम किया, इसमें काम ये किया कि मिरर की जगह एक पॉइंटर लगा दिया। ये आपका सिलिंड्रिकल कोर बनाया मैंने जो बीच में है, ये बनाया क्या कॉयल, इसके ऊपर फ्रेम फंसा हुआ है, फ्रेम के ऊपर कॉयल लगी हुई है ये पूरी, और इसे रखा हुआ है कहाँ, आपने बहुत जल्दी बना रहा हूँ, इसमें रखा हुआ है नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ से ये आपका ये साउथ पोल है। तो पॉइंटर लगा दिया इसमें, क्या लगा दिया इसमें, मिरर यहाँ फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप है, इसके साथ में एक पॉइंटर लगा दिया। पॉइंटर का मतलब हल्की सी सुई लगा दी, पॉइंटर जैसे कि आपके वॉल क्लॉक के अंदर सेकंड वाली सुई लगी हुई, उससे भी पतली सुई लगा दी, एक पॉइंटर लगा दिया। और इस पॉइंटर, ये पॉइंटर घूमेगा कॉयल के साथ साथ, ये क्या होगा, ये पॉइंटर भी इधर उधर घूमेगा ऐसे कॉयल के साथ साथ, रोटेट करेगा जैसे मिरर कर रहा था। तो इस पॉइंटर के पीछे क्या बना दिया आपने, एक स्केल लगा दिया, यहाँ जीरो लिख दिया, यहाँ कैलिब्रेट कर दिया। अब आपका क्या होगा, जब भी इसमें आप करंट फ्लो करोगे, ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर इस पर चलेगा, पॉइंटर के नीचे आपने स्केल बना रखा, स्केल पर आप रीडिंग पढ़ लेंगे। तो एक्चुअली जो आपके घर में स्टेबलाइजर में लगा हुआ या सबमर्सिबल के पैनल में जो लगे हुए हैं वो ये वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है। एक्चुअली ये भी नहीं है, इसका एक और मॉडिफाइड रूप है जो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर से बहुत सस्ता पड़ता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी आसान होती है, उसमें कॉयल नहीं होती ये वाली, इसकी जगह कुछ और कॉयल होती है, तो अलग किस्सा है वो। तो इस तरह से वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट ही रीडिंग आप निकाल सकते हैं। इसमें भी एक टॉर्शन हेड होता है, टॉर्शन हेड से अगर इसका कभी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाए और पॉइंटर ये आपका जीरो पर ना आए, थोड़ा सा आगे, या मतलब बिना करंट के ही ये
थोड़ी बहुत रीडिंग इधर या इधर शो कर रहा है, तब आप टॉर्शन हेड से घुमा करके उसे पॉइंटर को जीरो पर ले आते हैं, बोलते हैं उसे नल सेट, नल सेट, नल नल पर सेट करना, नल सेट करना। नल सेट करने के बाद फिर आप इसमें करंट फ्लो करिए, तो ये बता देता है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी इससे भी कम है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा भी करंट भेजेंगे आप, तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आपका ये जो पॉइंटर है अगर ये हल्का सा भी रोटेट करा तो तुरंत आपको यहाँ स्केल के ऊपर काफी बड़ा डिफ्लेक्शन मिल जाएगा और आप करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हल्की फुल्की करंट पर अगर 1-2 डिग्री घूमा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री घूमा आपका ये पॉइंटर, तो आपको पता ही चलेगा यहाँ कुछ हुआ भी है। तो इसकी एक्यूरेसी कम है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। हालांकि इसकी भी एक्यूरेसी इतनी नहीं है जितनी आजकल के सस्ते वाले डिजिटल मीटर्स आते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त होती है और वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी ऑफर नहीं करते, बहुत हल्का, उनका खुद का अपना रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें जो है कई बार आपका क्वेश्चन जो आता है वो इसके पार्ट्स पर आता है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का क्या पार्ट है, फंक्शन है, और इस स्ट्रिप को फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही क्यों बनाया जाता है, मिरर का क्या फंक्शन है, या ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखी गई है, क्यों रखी गई सॉफ्ट आयरन कोर, कल हमने डिस्कस कर लिया। इस सॉफ्ट आयरन कोर से ही एक्चुअली हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये कॉप एल्यूमिनियम के ऊपर इसे कॉइल को क्यों लपेटा गया, एल्यूमिनियम फ्रेम पर ही क्यों लपेटा जाता है, ये मेटेलिक फ्रेम पर ही क्यों लपेटा जाता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। हेयर स्प्रिंग जो लगाई हुई है, ये पतले तार की स्प्रिंग क्यों लगाई हुई है, बिल्कुल हेयर जैसा स्प्रिंग क्यों है ये, ठीक है।